नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय, आप देख रहे हैं डीजे ब्लॉग एंड इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही एक खास प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है हमारे हाथ में रियलमी बड्स T100, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और 1200 से 1300 के रेंज में आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, बताते हैं आपको क्या क्या फीचर्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ईयरबड्स है और इसमें दिया है आपका, ये दिया है ईयर टिप्स दो अलग अलग साइज का, जो कि आप अपने कान के साइज के हिसाब से इसको इजीली यूज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं कान में। और ये है हमारा चार्जिंग एडाप्टर केबल, जो 5 वाट का है। आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से इसे कनेक्ट करके और इजीली चार्ज कर सकते हैं अपने ईयरबड्स को। और ये है यूजर मैनुअल, इसको कैसे यूज़ करना है। और इसमें वारंटी कार्ड दिया है लास्ट में, जो कि ये वारंटी कार्ड है अपना। ठीक है, तो आइए अब मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट दोस्तों, जो कि ये देखिए, ये चार्जिंग मतलब बैटरी का इंडिकेटर है। अगर ग्रीन है तो 100% चार्ज है, अगर रेड है, ब्लिंक हो रहा है, तो इट मीन्स बैटरी लो है, इसको डाउन चार्ज करना है अपने को। अगर ग्रीन में ब्लिंक हो रहा है, टिमटिमा रहा है, तो इसके मतलब ये चार्जिंग कम है, डाउन हो रहा है आपका ईयरबड्स। अगर रेड में टिमटिमा रहा है, तो इट मीन्स इसको चार्जिंग करने का ज़रूरत है। और ये है आपका चार्जिंग पॉड, जो कि सी टाइप दिया है। आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से इजीली चार्ज कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू 6 आवर तक आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट करके नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब चार्ज करके रख दे रहे हैं, तो ये 28 आवर्स तक बैटरी लाइफ रहेगा इसका। आइए इसके अंदर ओपन करके देखते हैं। ये है दोस्तों, तो आइए दोस्तों ये दोनों ईयरबड्स को देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या टच करने पे कैसे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों ईयरबड्स का टचिंग पॉइंट है यहाँ पे दोनों साइड पे ये वाला टचिंग पॉइंट है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, तो किसी भी ईयरबड्स को, मतलब लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले को, अगर इसको 2 बार ऐसे टैप करके रख देंगे, तो आपका म्यूजिक बंद हो जाएगा। और चालू करना है तो ये 2 बार अगेन टच कर देंगे तो चालू हो जाएगा। अगर इसको 3 बार टैप कर देते हैं ऐसे करके, तो ये नेक्स्ट सॉन्ग आपका चालू हो जाएगा। तो ये है इसका म्यूजिक सुनते समय का फीचर। बायां साइड वाले को 3 सेकेंड तक दबा के रखेंगे तो आपका वॉल्यूम घटने लगेगा, और राइट साइड वाले को 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ये है। और जब कॉल करते समय इसको कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर जब हमारा कॉल आएगा, कनेक्ट कर लिए हैं, अगर कॉल आ रहा है, तो किसी भी बर्ड्स को, ये लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले को, एक बार यहाँ पे टैप करेंगे तो कॉल अटेंड हो जाएगा, मतलब रिसीव कर लेंगे आप। और जब इसको डिसकनेक्ट करना है, 2 बार इसको टैप कर देंगे तो कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा किसी भी, मतलब ईयरबड्स को, राइट वाले को या लेफ्ट वाले को। ये ऐसा है। और कॉल आ रहा है आपका, अगर कॉल इनकमिंग आ रहा है, तो आप किसी भी ईयरबड्स को, लेफ्ट वाले या राइट वाले को, 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि इनकेस आपका ईयरबड्स कनेक्ट नहीं हो रहा है और कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, डिसकनेक्ट हो जा रहा है, ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, सो इसको हम रिसेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये बैक साइड का पॉइंट दिया है रिसेट, तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ दबा कर रखेंगे हल्के हाथों, तो ये आपका रिसेट हो जाएगा। और रिसेट होने के बाद इसको अगेन चार्जिंग केस में इसको फिक्स कर देंगे, चार्जिंग केस में दोनों को फिक्स कर देंगे, फिक्स करके और इसको अगेन हम ओपन करके कनेक्ट करेंगे। अगेन हम ओपन करके कनेक्ट करेंगे तो हमारा ईयरबड्स रियल मी T100 करके शो करेगा आपके मोबाइल के ब्लूटूथ सिस्टम में, सो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर इन केस आपका मोबाइल में ब्लूटूथ ईयरबड्स रिसेट करना, पेयर का ऑप्शन कराना है, पेयर नहीं हो रहा है, तो इसको 5 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे तो पेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पेयर वाले ऑप्शन पे टच करके आप ब्लूटूथ को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।